आईएएस पूजा खेडकर पिछले 5 दिनों से लापता है। पूजा खेडकर कहाँ है किसी को कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद से पूजा खेडकर लापता है। 23 जुलाई को पूजा खेडकर मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर में भी नहीं पहुंची। पिछले हफ्ते दिल्ली में उनके खिलाफ गलत बयानी और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। यूपीएससी ने 2022 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। केंद्र ने पुणे पुलिस को विवादास्पद आईएएस प्रोबेशनरी पूजा खेडकर के माता पिता की वैवाहिक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश भी दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पूजा पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का लाभ धोखाधड़ी से उठाया और दावा किया कि वो अलग हो गए हैं। इसके साथ ही पूजा खेडकर ने अपने माता पिता के तलाक के पेपर भी इसमें दिखाए थे। पूजा खेडकर पर हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे जिला कलेक्टर में अपने प्रशिक्षण के दौरान उन भत्तों और सुविधाओं की मांग करके 70 विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है जिनकी वो हकदार नहीं थी। उन पर सभी को धमकाने और अपने कार्यालय के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली एक निजी ऑडी कार के ऊपर लाल बत्ती लगाने का भी आरोप है जिस पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखा हुआ था। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने उनसे पूछा है कि क्या पूजा खेडकर के माता पिता माँ मनोरमा और पिता दिलीप तलाकशुदा थे। हमें ये पता लगाने के लिए और केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए भी कहा गया है कि क्या पूजा खेडकर के माता पिता तलाकशुदा थे। संक्षेप में इसने हमें उनकी शादी यानी तलाक की वास्तविक स्थिति को सत्यापित करने के लिए भी कहा है। गौरतलब हो कि पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदल बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी धोखाधड़ी आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो उसने भी आईएएस पूजा खेडकर को नोटिस थमा दिया था। उनसे कहा गया कि जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया। उनको महाराष्ट्र के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी मुक्त कर दिया गया है। बहरहाल आईएएस पूजा विवाद मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऐसे में इस मामले को लेकर आगे क्या क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।